असलम डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ दिस वीडियो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑन्टनोरशिप फ्राम लिटरेचर और डेफिनेशन ऑफ ऑन्टप्रनरशिप फ्राम ऑनटरप्रोर्स प्रस्पेक्टिव यानी हम आपको दो सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर्स के पास लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह ऑन्टरप्रनोरशिप को डिफाइन करते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑनटरप्रनीरशिप को लिटरेचर यानी बुक्स और डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स किस तरह से डिफाइन करते हैं अगर आप इंटरनेट पे जाएं और बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम पर जाए तो वहां पर आपको ऑनटरप्रन्योरशिप की यह डेफिनेशन मिलेगी द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डिवेलप ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस वेंचर अलोंग विद एनी ऑफ इट्स रिस्क इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑन्टरप्रनोर स्पिरिट इज करेक्टराइज बाय इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग इस पूरी डेफिनेशन के अंदर आपको कुछ कॉम्पोनेंट्स नज़र आए होंगे फॉर एग्जाम्पल नंबर वन इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग बिजनेस और हम ये प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं नंबर टू जब भी आप बिज़नेस करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होगा बिजनेस करने में जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे लीडिंग रिस्क फाइनेंशियल रिस्क है और प्लस ये सारा काम आप इसलिए कर रहे होंगे ताकि आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकें अगर आप बिजनेस की भी एक बहुत जर्नल डेफिनेशन देखें तो उसकी जर्नल डेफिनेशन भी यही है कि बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी कैरिड बाय अ पर्सन इन ऑर्डर टू मेक सम प्रॉफिट इसमें एक और चीज़ जो आपको नजर आएगी दैट इज इनोवेशन यानी जब भी आप बिजनेस करेंगे आप अपना वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और उन लिमिटेड रिसोर्सिस का आप सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहेंगे इसीलिए इनोवेशन हमेशा ऑन्टप्रीनोरशिप के साथ ही आपको नजर आएगी दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं दूसरी डेफिनेशन दी है ब्रिजरन आयलैंड ने अपनी बुक में द डेफिनेशन इज ऑनटरप्रन्योरशिप इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स परस्यू अपरचुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्सिस देटली कंट्रोल्ड ऑन्टरप्रन्योरशिप इज एन आर्ट ऑफ टर्निंग एन आइडिया इन टू बिजनेस इस डेफिनेशन में कुछ आपको नए कॉम्पोनेंट्स भी नज़र आएंगे यानी नई डायमेंशनस भी नजर आ रही है नंबर वन एक डायमेंशन तो कॉमन है डेट इज डूइंग योर ओन बिजनेस या इस्टेबलिशिंग योर ओन वेंचर ये जो वेंचर एस्टेब्लिशमेंट है ऑब्वियसली ये कोई ना कोई बिजनेस ऑपरचुनिटी होगी जो आपने देखी होगी या आपने हंट की होगी सो so, जहां पर इनोवेशन और रिस्क टेकिंग था वहां पर ऑपरचुनिटी सीकिंग भी एक नई डायमेंशन आ गई है इस एक डेफिनेशन में यहां पे ये लिखा गया है कि जब आप किसी भी ऑपरचुनिटी को अपना बिजनेस बना लेते हैं या ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ऑपरचुनिटी को इंटू द बिजनेस आइडिया तो इनिशियली रिसोर्सेस इतना मैटर नहीं कर रहे होते हैं। हम आपको इस एक पूरे कोर्स के अंदर कुछ ऐसे ऑन्टप्रनोर सेम मिलवाएंगे कि जिन्होंने जब अपने बिजनेस का आगाज किया तो उनके पास पैसे भी नहीं थे बट दे स्टार्टेड और आज वो बहुत सक्सेसफुल ऑन्टप्रन्योर हैं इस डेफिनेशन में ये भी कहा गया है कि ऑनटरप्रनोरशिप क्या है एक प्रोसेस ऑफ टर्निंग योर आइडिया इन ट बिजनेस आप किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जब आप जाते हैं या सेंटर फॉर ऑन्टरप्रीनोरशिप डेवलपमेंट पर जाते हैं तो वहाँ जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सब के पास एक आइडिया ही होता है और वो उसी आइडिया को ज़्यादा बेहतर बना के ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में अपने बिजनेस वेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं लेटस्ट लुक एट द थर्ड डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाई हिसरिज पीटर एंड शेफर्ड द डेफिनेशन इज Entrepreneurship is a dynamic process of creating incremental wealth the wealth is created by individuals who assume the major risk in terms of equity time and commitment to provide value for some product or services the product or service may or may not be new but the entrepreneur must somehow infuse value by receiving and building necessary skill एंड रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट रिसीव दी फाइनेंशियल रिवॉर्ड विथ समर्सनल सेटिस्फैक्शन ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है इस एक डेफिनेशन में कुछ कॉम्पोनेंट्स तो आपको वही नजर आएंगे जो हमने पहली डेफिनेशंस में डिस्कस किए फॉर एग्जांपल, ऑन्टरप्रिनरशिप इज अ प्रोसेस नंबर टू इट इज फॉर क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ पहली वीडियोज में भी हमने डिस्कस किया था कि वेंचर इस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस स्टेब्लिशमेंट ओवर द नाइट नहीं होती ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेयर गुड लक नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट इन्वॉल्व होती है इसलिए इसको वेल्थ क्रिएटिंग प्रोसेस के साथ साथ इंक्रीमेंटल वेल्थ क्रिएटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है नंबर टू रिस्क की बात की गई है इस एक डेफिनेशन में और रिस्क में पहला रिस्क जो मेंशन किया गया दैट इज इक्विटी अगेन हमने बात की थी कि सब रिस्क जितने भी रिस्क हैं उनमें से सबसे लीडिंग रिस्क जो है दैट इज योर फाइनेंशियल रिस्क वो इन्वेस्टमेंट जो आपने बिज़नेस में की है टाइम भी आप अपना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ये वही टाइम था जो आप इन्वेस्ट कर सकते थे किसी बड़ी एंटरप्राइज में अगर आप जॉब सीकिंग के ऊपर होते और शायद किसी एंटरप्राइज के अंदर आप बेहतर जॉब कर रहे होते बट यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन क्रिएटिंग अवेंचर आपकी कमिटमेंट भी रिक्वायर्ड है और प्लस इसमें जो एक नई चीज़ है वो ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो वट इज़ इनोवेशन नंबर टू इनोवेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और नंबर थ्री इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है किसी भी बिज़नेस के अंदर हम इन पर भी बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस अगर बहुत ज़्यादा इनोवेटिव ना भी हो स्टिल यू कैन डिलीवर द वैल्यू टू योर कस्टमर यानी आपका कोई ना कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ज़रूर होना चाहिए जो आपको आपकी कंपेटिटर से बेहतर बना सकें जब आप बिजनेस करेंगे फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड के साथ साथ आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन या पर्सनल रिवॉर्ड्स भी रिसीव होंगे लोग आपका नाम लेंगे आपकी सक्सेस स्टोरीज दूसरों को सुनाई जाएंगी आप जब लोगों को जॉब लोगों के लिए जॉब क्रिएटर बन जाएंगे तो लोग आपको आइडियलाइज करेंगे और आपको देखते हुए और बहुत से इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस स्टार्ट करने की हिम्मत पकड़ लेंगे सो so इसीलिए ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन या सेल्फ अचीवमेंट भी आपको बिजनेस करने से मिलती है ये वो डेफिनेशन हैं जो बुक में लिखी हैं या आर्टिकल्स रिसर्च आर्टिकल्स में लिखे हैं नाउ लेट अस सी कि ऑन्टरप्रियोर्स entrepreneurs, ऑनटरप्रनीरशिप को किस तरह से डिफाइन करते हैं और क्या उनकी डेफिनेशन के अंदर हमें ये कॉमन एलिमेंट्स नज़र आते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स थे नंबर वन ऑन्टरप्रीनियोरशिप इज़ अ प्रोसेस नंबर टू इट इन्वॉल्व रिस्क इट रिक्वायर्स इनोवेशन और आपको वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी बिज़नेस ऑफर करता है सो so, अब हम चलते हैं सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनरस की तरफ और ये सवाल उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह ऑनटरप्रीनियोरशिप को डिफाइन करते हैं ऑन्ट्रप्रेनरशिप एक बहुत कंफ्यूजिंग सा मुझे लगता है कि एक विजन है और मेरे ख्याल में कि ये एक विजन है एक नॉलेज बेस्ड पर्सनैलिटी है जिसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान में हमें मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ों में कन्फ्यूजन है कि हम बिजनेस को और ऑनटरप्रेनरशिप को कन्फ्यूज़ करते हैं बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये एक नॉलेज है एक विजन है और विजन है फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए और ऑंटरप्रेनरशिप को मेरा ख्याल है जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं इट हैज़ टू हैव द लॉन्ग टर्म गोल सो वी नीड टू प्ले एज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर्स और यही मेरे ख्याल में एक ट्रू uh, ऑनटरप्रेनियोरशिप है जो मेरा ख़्याल है कि हम पाकिस्तान में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को थोड़ा सा कंफ्यूज है या शायद हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें शायद वो उतना ज़्यादा केटर नहीं कर पा रहे रहेज़ एंटरप्रेन्योरशिप को ए उस तरह से जिस तरह के हम देख रहे हैं तो मेरे ख़्याल में ये एक हाई एंड नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट